नमस्कार, राज पापा दी ढाबा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ मीठा, और ये है गाजर का हलवा। सो जाड़े के मौसम में गाजर बड़ी आसानी से मार्केट में मिलती है, तो सबका दिल होता है कि कुछ उसका मीठा बनाया जाए, तो क्यों ना गाजर का हलवा आज बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, वो भी मेरे तरीके से। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा जाड़े के मौसम में खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है लोगों का, क्योंकि गाजर बहुत अच्छी रेड वाली गाजर मिलती है जाड़े के मौसम में, और जाड़े के मौसम में थोड़ी ठंड में गाजर का हलवा खाने का अलग ही मज़ा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा। जनरली लोग क्या करते हैं, गाजर को दूध में डाल के बहुत घंटों तक बॉयल करते रहते हैं, फिर पकाते हैं। उसमें बहुत लेंथी प्रोसेस है, वो अच्छा प्रोसेस भी नहीं है। तो मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताऊंगा गाजर का हलवा बनाने का। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गाजर। गाजर को मैंने अच्छे से घिस लिया है, और मैंने लिया है करीब 50-60 ग्राम देसी घी, और करीब 1 किलो गाजर के लिए मैंने 200 ग्राम के आसपास शुगर लिया है, और मैंने 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध में मैंने फुल क्रीम 1 लीटर दूध लिया है। उसमें से 300 ml दूध को मैंने अलग बाउल में रख लिया है। वो क्यों रखा हूँ मैं बाद में आपको बताऊँगा। और 700 ml दूध को अलग रखा है, उससे मैं खोया बनाऊंगा। खोया कैसे बनाऊंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और थोड़े से मैंने काजू को छोटा काट के रख लिया। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, जनरली काजू अच्छा लगता है। आप पिस्ता भी यूज कर सकते हैं, काजू भी यूज कर सकते हैं, बादाम भी यूज कर सकते हैं, यानी मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। तो उससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म करेंगे। मेरी कढ़ाई पहले से मैंने प्री हीट कर लिया है और फ्लेम को लो कर लिया है। इसमें मैं पूरे घी को डाल दूंगा, एक करीब 50-60 ग्राम घी होगा। एक छोटा बाउल में मैं भर के लेता हूँ घी। एक्चुअली हलवा में देसी घी ज़्यादा लगता है, तो जनरली मैं पतंजलि का देसी घी यूज करता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और मुझे लगता है कि वो प्योर भी होगा। मैं पतंजलि को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट अभी तक का हमारा जो पतंजलि घी के साथ एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, काफ़ी अच्छा रहा। तो ये मेरा घी गरम हो गया, अभी मैं फ्लेम को थोड़ा हाई कर लूँगा। और इसमें मैं ये देखिए गाजर को घिस के मैंने रखा है 1 किलो। इस गाजर को मैं धीरे धीरे इसमें डाल दूँगा पूरे गाजर को। अगर आपकी कढ़ाई छोटी पड़ती है तो आप थोड़ा सा गाजर बचा भी रख सकते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है कि गाजर कम हो जाती है, फिर बाकी गाजर डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे गाजर को मिक्स कर लीजिए, जिससे घी चारों तरफ फैल जाए। ये गाजर को आपको फ्राई करना है। तो फ्राई करने का प्रोसेस लंबा है, करीब इसमें आधे घंटे लगता है। अभी तो मैं करीब 5 मिनट पानी फ्राई करूंगा, उसके बाद क्या है गाजर पानी छोड़ने लगेगा। उसके बाद मैं इसको, जब तक इसका पानी सूखता नहीं तब तक मैं इसको साइड में पकने को रख दूंगा, और आपको दूसरे बर्नर पे रख दूंगा, और आपको इस बर्नर पे खोया कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाऊँगा। तो जब तक मेरा ये गाजर फ्राई होगा और गाजर में सब कुछ पकेगा, तब तक साइड में मेरा खोया भी बनके तैयार हो जाएगा। और लास्ट में फिर खोए को कैसे गाजर में मिक्स करके वो भी बताऊंगा। खोया डाल के जो लास्ट में बनाते हैं वो बहुत टेस्टी लगता है। ये जब तक पानी में छोड़ने लगे तब तक आपको फ्राई करना है। देखिए अभी धीरे धीरे गाजर मेरा दबता जा रहा, क्योंकि क्वान्टिटी कम होती जाती है, जैसे इसका पानी मिलने लगता है। शुगर को एकदम लास्ट में डालना है, शुगर पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो शुगर क्या चिपकने लगती है और जमने लगती है। अभी मेरा ये पानी छोड़ने लगा है, इसको मैं ढक दूंगा और दूसरे बर्नर पर रख दूंगा। इस पर मैं बनाऊंगा खोया। अभी मैंने इसको दूसरे बर्नर पर रख दिया है, और इस पर मैं दूसरी कढ़ाई ले लूँगा, फ्लेम को धीमा कर दूंगा। इसमें मैं ये 700 ml दूध डालूंगा। मैं अमूल का फुल क्रीम मिल्क लेता हूँ। थोड़ा सा कैमरे में आप साइड में देखेंगे, दूसरे बर्नर पर मेरी गाजर वो पक रही है। ये मेरा पूरा दूध इसमें आ गया है। इसको फ्लेम को हाई कर दूंगा, अभी दूध को बॉयल होने दूंगा। उधर मैं गाजर का ध्यान रखूंगा, गाजर अच्छे से पक रही है। ये ध्यान रखिएगा कि दूध के लिए चम्मच अलग रखिएगा और गाजर के लिए अलग रखिएगा। ये गाजर वाला चम्मच दूध में मत डाल देना गलती से, नहीं तो दूध फट जाएगा। देखिए दूध मेरा बॉयल होने लगा, इसको चलाते रहना जिससे जलने ना पाए, चिपकने ना पाए, ये ध्यान रखना आपको। ये अभी मैं काफ़ी देर तक इसको ऐसे ही चलाते रहूँगा, जब तक ये खोया ना बनने लगे। फिर खोया बनने लगता है मैं आपको दिखाता हूँ। उधर दूसरे साइड मेरा गाजर भी पक रही है। करीब ये 20-25 मिनट लगता है इस प्रोसेस में, खोया बनने में, गाजर को पकने में। यानी जब तक आपकी गाजर पकती है तब तक ये खोया बन जाता है।
तो मैं 20 से 25 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ, दिखाता हूँ कैसा है। अब देखिए मेरा खोआ लगभग बन गया है, देखिए तो दूसरी साइड मेरी गाजर भी लगभग पक गई है। देखिए खोआ अभी एकदम लास्ट स्टेज पे है, इस पूरे प्रोसेस में अभी तक 20 मिनट लगा हुआ है। गाजर खलुआ बनाना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट उसका खाने के बाद जो एक पहला चम्मच मुँह में डालने के बाद जो मज़ा आ जाती है उसमें आपकी जो मेहनत होती है बनाने की लगता बहुत कम है। खोए में बस ये ध्यान रखना होता है कि जलने नहीं देना होता है, कंटिन्यूस चलाना होता है। देखिए ये खोया बन गया है, एकदम लास्ट है, मैं इसको लगातार चलाता रहूँगा ना कि पता लगा, तो जलने नहीं देना है। जल गया तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो खोए का एक खासियत होती है जलने नहीं देना है। अभी मैं गैस को धीमा कर दूँगा, लगभग खोया बन गया क्योंकि पाव के आसपास खोया बने लगता है। इसको चलाते इसलिए भी रहना पड़ता है कि जलने ना पाए, प्लस वो छलने लगता है। जब वो कम होता है ना तो दूध क्या होता है कि घी छोड़ने लगता है, और घी और पानी जब आपस में पकता है तो आपको पता छोड़ता है, तो वो छाने भी ना पाए और डर भी नहीं सकते नहीं तो जल जाएगा। एक खोया क्या होता है इसलिए डालते हैं राजा कलुए में कि जब एक खोया मुँह में कलुए के साथ जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा भी आता है, मज़ा आता है। ये देखिए मेरा खोया बन के तैयार हो गया है, अब मैं इसको बंद कर दूँगा और आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा क्या करना है। ये मेरा खोया तैयार हो गया, हमने गैस को बंद कर दिया है। ये देखिए हमारा 150 से 200 ग्राम के आसपास निकला होगा, ये इनफ है 1 किलो गाजर के लिए। तो मैं इसको साइड में रख लूँगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाजर का क्या स्टेज है। गाजर में देखिए ऑलमोस्ट पानी छोड़ना बंद कर चुकी है, इसको अभी मैं फ्लेम तेज कर दिया हूँ, इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगा, इसको हल्का सा प्रेस करते रहना चलाते टाइम पर, जिससे मिक्स होती रहे अच्छे से। अभी ये बन नहीं गया, अभी इसमें बनने में कम से कम ये पकड़ के आप रखिए कि 30 से 45 मिनट्स और लगेंगे टोटल। ये प्रोसेस में करीब अगर गाजर घिसने के बाद का अगर टाइम मैं पकड़ूँगा, गाजर घिसने में जो टाइम लगता है कि वो डिफरेंट, वो भी करीब में गाजर घिसने में भी पकड़ लो आप तो आधे घंटे तो लगते ही हैं, तो गाजर घिसने के बाद ये बनाने में जो टाइम लगता है ये करीब आधे घंटे अभी हो चुके हैं, तो 45 मिनट्स अभी और लगेगा। तो पकड़ लीजिए 1.25 घंटा, आधा घंटा गाजर घिसने का, 1.25 घंटा और निकालना उकालना सब ला के 2 घंटे का प्रोसेस पकड़ लीजिए, तो 2 घंटे तो लगते हैं गाजर खुला बनाने में। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा कि जो मैंने 300 ml दूध निकाला था उसको इसके अंदर डाल दूँगा, ये देखिए, और इस दूध में मैं करीब इसको 20 से 25 मिनट पकाऊँगा, जब तक कि फिर से ये घी छोड़ना ना चालू कर दे। और इसके फ्लेम को धीमा कर देंगे, इसको फिर से ढक देंगे, करीब इसमें 15 मिनट लगेगा, मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखाता हूँ आगे की प्रोसेस। अभी देखिए गाजर ऑलमोस्ट पक गई है दूध के साथ, अब मैं क्या करूँगा इसमें मैं थोड़ा सा इलायची मैंने ले ली है, थोड़ा सा ऑप्शनल है, इससे खुशबू अच्छी आती है, इसको डाल दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा काजू कट करके रखा था, थोड़ा सा बचा लेंगे कटा हुआ काजू बाद में गार्निशिंग के लिए, उसको डाल दिया और चलाते रहना, इसको जलने नहीं देना है, ध्यान रखना है। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाला है, अब मैं डालूँगा इसमें चीनी, करीब 200 ग्राम चीनी, और अच्छे से मिक्स करूँगा, फ्लेम को थोड़ा लो कर लूँगा, चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ देती है गलने के बाद, देखिए थोड़ा सा पानी आ गया इसमें। अब इसको करीब 5 से 10 मिनट में और फ्राई करूँगा, फ्लेम को मैंने तेज कर लिया है, चीनी गल गई है। आज चूँकि 26 जनवरी है तो मैंने सोचा कुछ घर में मीठा बनाया जाए, तो आपको बैकग्राउंड में हमारे बिल्डिंग में कुछ पूजा भी हो रही है, 26 जनवरी पे करते हैं लोग, उसकी आवाज़ भी आ रही होगी, थोड़ा चीनी और डालूंगा मैं, काफ़ी मीठा कम होगा। ये पिंकिश हो गया, फिर भी इसको और अच्छा नाइस रेड कलर देने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालूंगा रेड, इससे और अच्छा लुक आएगा गाजर के अंदर का।
अगर रेस्टोरेंट या मिठाई की दुकान से जो लेते हैं उसमें वो फूड कलर मिक्स करते हैं, इससे लुक अच्छा आता है। देखिए अभी अच्छा रेड कलर आ गया है। ये मेरा हलवा तो बन के तैयार हो गया, बस मैं इसके ड्राई होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं साइड में लेके इसका टेस्ट करूँगा कि शुगर बराबर है कि नहीं। थोड़ा सा ठंडा होने का, अगर शुगर कम होगी तो थोड़ा सा शुगर और डालने का, बस ये टेस्ट कर लेना होता है। कोई भी खाना बनाते समय नमक और चीनी और मिर्ची तो खैर अंदाजा होता, फिर भी मिर्ची का भी करना चाहिए, नमक और चीनी का तो ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। पहले ही ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, पहले थोड़ा कम डालना चाहिए, फिर कम, फिर थोड़ा टेस्ट करना चाहिए, फिर तो देखना चाहिए चीनी बराबर है, थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा मैंने और चीनी डालिए इसमें। आप इसको शुगर फ्री भी बना सकते हैं, शुगर फ्री बनाने के लिए कुछ नहीं करना, इसमें चीनी नहीं डालनी बस आपको, उसकी जगह आपको शुगर फ्री जो पाउडर आते हैं मार्केट में उसको लेना है। और उसको क्या होता है कि इसका उसके साथ एक छोटा चम्मच आता है, उसका एक छोटा चम्मच हमारे शुगर के एक बड़े चम्मच के बराबर होता है, तो करीब एक बड़ा चम्मच हमारी शुगर करीब 10 ग्राम होती है। तो इस तरह 25 छोटे चम्मच शुगर फ्री डाल दें, शुगर की जगह ये शुगर फ्री गाजर का हलवा बन जाएगा। अगर आपके घर में किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसको भी आप इस तरह गाजर का हलवा बना के खुश कर सकते हैं। मेरी मदर को भी डायबिटीज़ है, बट वो अभी जा चुकी है, यहाँ पे नहीं है, मेरे छोटे भाई के यहाँ पे है, अदरवाइज मैं उनके लिए इसका 50% अलग करके उसमें शुगर फ्री डाल के बनाता हूँ। देखिए कितना नाइस लुक आ रहा है। अभी मैंने इसमें खोया नहीं मिक्स किया है, थोड़ा सा जब ड्राई हो जाएगा तब मैं इसमें खोया डालूँगा, मधु नहीं डालूँगा। इसको बस ध्यान रखना होता है, चलाते रहना पड़ता है, जलने नहीं देना है, और इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस भी करते रहिए, जिससे क्या होगा कि हलवा जो है गाजर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो लास्ट में मैं बताता हूँ कि मैंने लगभग 250 ग्राम चीनी डाली है 1 किलो गाजर में, और 1 लीटर दूध लिया था, 300 ml इसमें डाला, 700 ml का मैंने खोया बनाया, थोड़ा सा इलायची डाला और काजू थोड़ा सा कट करके डाला, और करीब 50-60 ग्राम देसी घी। तो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते इसमें, दैट इज़ अ गुड थिंग। ओनली प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो चलिए अभी ऑलमोस्ट बन गया है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँ। अभी मेरा ये देखिए ड्राई हो चुका, अब इसमें मैं एक खोया डाल दूँगा जो मैंने बनाया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। इसमें ये मेरा हलवा बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा ये खोए और गाजर का लुक मिक्स हुआ आ रहा है, इसको खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। मैं इसको सर्व करूँगा और अपने फैमिली को खिलाऊँगा 26 जनवरी के मौके पर, और आपको बताता हूँ मैं ये कैसा बना हुआ है। तो दिस इज़ रेडी। तो देखा आप लोगों ने गाजर का हलवा कितना अच्छा दिख रहा था, बहुत टेस्टी भी बना हुआ है। सो गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं, और उसमें खोआ भी जैसे मैंने बताया है कि कैसे बनाना है, खोआ भी बना के उसमें मिक्स करके बनाएं, अच्छा टेस्ट आएगा। और मुझे बताना मत भूलें कि कैसा बना। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल बटन को तो बिल्कुल ही दबाना मत भूलिए। मैं मिलूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।